हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई एजुकेशन। वाईफाई एजुकेशन की इस वीडियो में हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे, सीडीएस 2020 एग्ज़ाम के लिए 20 दिन का क्रैश कोर्स। इस सीरीज़ के हर एक पार्ट में मैं आपको 25 क्वेश्चन जीके का अभ्यास कराऊंगा, जो सारे के सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड होंगे और आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे। सो आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो भी कैंडिडेट्स सीडीएस 2020 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो पहुँच सके। सो अब ज़्यादा विलंब ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन, अरेंज अमेजोन फ्लिपकार्ट स्नैपडील इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर फाउंडेशंस, यानी कि इनको इस तरह अरेंज करना है, जो कंपनी पहले बनी है उसको पहले लिखना है, जो उसके बाद बनी है उसके बाद लिखनी है, और जो लास्ट में बनी है कंपनी उसको लास्ट में लिखना है। सबसे पहले जो कंपनी बनी थी उसका नाम है अमेजोन। ये बनी थी 1994 में, 1994 में बनी थी जो अमेजोन बनी थी। उसके बाद बनी थी फ्लिपकार्ट, ये बनी थी 2007 में। 2007 में बनी थी जो फ्लिपकार्ट बनी थी। उसके बाद बनी थी स्नैपडील, जो स्नैपडील है ये बनी थी 2010 में। इसलिए हमारा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, सबसे पहले आएगा अमेजोन, उसके बाद फ्लिपकार्ट, उसके बाद आएगा स्नैपडील। ये हमारा जो राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का वो बनेगा ए ऑप्शन 1, 2 एंड 3। ये ईयर भी आपने याद रखने हैं, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये जो स्नैपडील है ये कब फाउंड हुई थी, ये बनी थी 10 फरवरी 2010 को। इसका ईयर काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, सो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन, इन हुज टाइम्स द मुगल एम्पायर रिचर्ड हिज इट्स टेरिटोरियल क्लाइमैक्स, किसके समय में जो मुगल एम्पायर है ये टेरिटोरियल क्लाइमैक्स तक पहुँच गया था। ये आपके चार ऑप्शन हैं, अकबर, शाहजहाँ, औरंगजेब और बहादुर शाह वन। जो मुगल एम्पायर है ये पहुंच गया था टेरिटोरियल क्लाइमैक्स तक, ये था एम्पायर औरंगजेब का। इसलिए हमारा जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है सी ऑप्शन, औरंगजेब। उसके बाद आपने याद रखना है जो मुगल एम्पायर है इसके फाउंडर कौन है, वो है बाबर। बाबर जो हैं ये हैं फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इंडिया में। उसके बाद आपने याद रखना है इन्होंने जो मुगल एम्पायर को एस्टैब्लिश कराया था, इन्होंने बैटल में हराया था, जो पानीपत की बैटल हुई थी 1526 में, इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी को हराया था, जो 1526 में बैटल हुई थी, बैटल ऑफ पानीपत। ये भी आपने याद रखना है। आपसे पूछा जाता है कौन से मुगल एम्परर थे जिनके द्वारा फर्स्ट टाइम इंडिया में कैनन्स का यूज़ किया गया था, यानी कि तोपों का यूज़ किया गया था। उसका आंसर होगा बाबर। बाबर ने सबसे पहले तोपों का यूज़ किया था इंडिया में। ये भी आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट होता है बहुत बार, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर कंट्री ऑफ मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन, कौन सा कंट्री है जो मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन का मेंबर नहीं है दिए गए चार ऑप्शन में से। आपके ऑप्शन है इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड और वियतनाम। आपका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश मेंबर नहीं है मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन का। अगर आपसे पूछा जाए इसके टोटल मेंबर कितने हैं, उसका आंसर होगा सिक्स। सिक्स के जो हैं कौन कौन से मेंबर हैं सिक्स, इसमें सबसे पहले इंडिया जो है ये है मेंबर मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन का, उसके बाद थाईलैंड भी है, उसके बाद वियतनाम भी है, उसके बाद कौन सा है जो कंट्री है वो है म्यांमार। म्यांमार जो है ये भी इसका मेंबर है म्यांमार। उसके बाद कंबोडिया, कंबोडिया भी मेंबर है मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन का। उसके बाद एक कंट्री है जिसका नाम है लाओस। लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, इंडिया, थाईलैंड और वियतनाम, ये छः कंट्री हैं जो मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन के मेंबर हैं। बट आपसे पूछा गया था कौन सा कंट्री नहीं है, उसका आंसर होगा बांग्लादेश। इसलिए हमारा राइट आंसर है बी ऑप्शन, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग डिसाइड्स दैट देयर शुड बी अ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट और नॉट, कौन डिसाइड करता है कि जो स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है या फिर नहीं है। आपके ऑप्शन है प्रेजिडेंट, गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली, सी एम, चीफ मिनिस्टर। किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है या फिर नहीं है इसको डिसाइड करता है लेजिस्लेटिव असेंबली। इसलिए हमारा जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है सी ऑप्शन, लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है ये डिसाइड करती है कि उस पर्टिकुलर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है या फिर नहीं है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है सी ऑप्शन, लेजिस्लेटिव असेंबली। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा, काफ़ी बार सी डी एस के एफ कैट के एग्जाम में रिपीट हो चुका है, सो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, लैपिडो पटेरोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग, जो लैपिडो पटेरोलॉजी है ये एक बायोलॉजी की ब्रांच है, ये किससे डील करती है। आपके ऑप्शन है फर्न्स, एनिमल्स इन स्टैगनेंट वाटर्स, लिपिड्स एंड फैट्स और मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज। लैपिडो पटेरोलॉजी जो है ये एक ब्रांच है बायोलॉजी की, ये डील करती है मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज के साथ।
इसलिए हमारा जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है डी ऑप्शन, मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज के साथ डील करती है जो लेपिडोप्टेरोलॉजी है, ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है डी ऑप्शन, मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्स नंबर क्वेश्चन, इकोनॉमिक प्लानिंग कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट, जो इकोनॉमिक प्लानिंग है ये कौन सी लिस्ट में आती है। आपके ऑप्शन है यूनियन लिस्ट, कॉन्कोनेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। जो इकोनॉमिक प्लानिंग आती है वो आती है कॉन्कोनेंट लिस्ट में, इसलिए हमारा जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है बी ऑप्शन, कॉन्कोनेंट लिस्ट में आती है जो इकोनॉमिक प्लानिंग आती है, इसलिए राइट आंसर है बी ऑप्शन। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा। ये क्वेश्चन वेरियस बार रिपीट हो चुका है, सो याद रखिए आपसे पूछा जाता है जो जूनियर लिस्ट हैं इसमें टोटल कितनी आइटम्स आती हैं, उसका आंसर होगा 100 आइटम्स। 100 टोटल आइटम्स आती हैं यूनियन लिस्ट में। उसके बाद अगर बात करें हम स्टेट लिस्ट की, इसमें टोटल जो हैं आइटम्स वो हैं 61 आइटम्स टोटल हैं स्टेट लिस्ट में। उसके बाद बात करते हैं कॉन्कोनेंट लिस्ट, जो कॉन्कोनेंट लिस्ट है इसमें टोटल 52 आइटम्स आती हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं, सो याद रखिए यूनियन लिस्ट 100 आइटम्स, कॉन्कोनेंट लिस्ट 52 आइटम्स, स्टेट लिस्ट 61 आइटम्स, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेवन्थ नंबर क्वेश्चन, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड बॉम्बे ऑन लीज ऑन 27 मार्च 1668। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसने किससे एक्वायर किया था बॉम्बे लीज पर, यानी कि रेंट पर एक्वायर किया था 27 मार्च 1668 को। आपके ऑप्शन है ब्रिटिश एम्पायर, स्पेन, पोर्चुगल, लास्ट ऑप्शन है आपका फ्रांस। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इन्होंने बॉम्बे एक्वायर किया था लीज पर ब्रिटिश एम्पायर से, इसलिए हमारा जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है ए ऑप्शन, ब्रिटिश एम्पायर से एक्वायर किया था लीज पर बॉम्बे को 27 मार्च 1668 को। ये भी आपने याद रखना है, डेट भी आपने याद रखनी है, काफ़ी बार एग्जाम में ये भी पूछते हैं। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, ब्रिटिश एम्पायर। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एफ कैट और सी डी एस के एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आठ नंबर क्वेश्चन, हु विच अमंग द फॉलोइंग वाज द वर्क फील्ड ऑफ जीवानंदा दास अ बंगाल आइकन। जो जीवानंदा दास हैं ये बंगाल के एक आइकन थे, इनकी कौन सी वर्क फील्ड थी जिसके लिए ये जाने जाते थे, जो जीवानंदा दास हैं। आपके ऑप्शन हैं सोशल सर्विस, लिटरेचर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जर्नलिज्म। जो जीवानंदा दास हैं ये बंगाल के आइकन थे, ये जाने जाते हैं लिटरेचर के लिए, इसलिए हमारा जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है बी ऑप्शन, लिटरेचर के लिए जाने जाते हैं जो जीवानंदा दास हैं, इसलिए राइट आंसर है हमारा बी ऑप्शन, लिटरेचर। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइन्थ नंबर क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द ओरिजिनेटर ऑफ द ख्याल एंड तराना स्टाइल्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। किसको कंसिडर किया जाता है एज द ओरिजिनेटर ऑफ ख्याल एंड तराना स्टाइल्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, यानी कि इसके जो ओरिजिनेटर हैं वो किसको माना जाता है। आपके ऑप्शन है नियामत खान, मोहम्मद शाह रंगीला, उसके बाद आमिर खुसरो, लास्ट ऑप्शन है तानसेन। जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है इसके जो दो ऑप्शन है यानी कि ख्याल और तराना, इसके जो ओरिजिनेटर के नाम से जाने जाते हैं वो हैं आमिर खुसरो, इसलिए हमारा जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है आमिर खुसरो। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एफ कैट के एग्जाम से ये क्वेश्चन उठाया गया है, एफ कैट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, सो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेंथ नंबर क्वेश्चन, दस नंबर क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग हैड रिटन द नॉवल पैंथर पंचाली विच वाज बेस ऑफ द फिल्म ऑफ द सेम नेम ऑफ सत्यजीत रे। जो पैंथर पंचाली नॉवल है इसको किसने लिखा है, ये जो फिल्म बनी थी सत्यजीत रे पर उसमें भी यूज़ किया गया था, उसका बेस था ये नॉवल। आपके ऑप्शन है बंकिम चंद्र चैटर्जी, उसके बाद सेकंड ऑप्शन है आपका विभूति भूषण बंदोपाध्याय, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, लास्ट ऑप्शन है आपका शंभुनाथ पंडित। इसको लिखा है यानी कि पैथर पंचाली को लिखा है जो हमारा सेकंड ऑप्शन है विभूति भूषण बंदोपाध्याय, इसलिए हमारा जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है बी ऑप्शन, विभूति भूषण बंदोपाध्याय ने लिखा था जो जे नॉवल है जिसका नाम है पैंथर पंचाली। ये क्वेश्चन तो आप सभी ने भी देखा होगा, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, सो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेवंथ नंबर क्वेश्चन, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथनम कमेटी विच अमंग द फॉलोइंग ऑफिस वाज सेट अप इन इंडिया। किसकी रिकमेंडेशन में जो संथनम कमेटी है वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो सेटअप किया गया था, यानी कि कौन सा ऑफिस है इंडिया में जो सेटअप किया गया था।
जिसको रिकमेंड किया था संथनम कमेटी ने। आपके ऑप्शन है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उसके बाद सेकंड ऑप्शन है सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, थर्ड ऑप्शन है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, लास्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन। ये ऑफिस है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसलिए हमारा जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है ए ऑप्शन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये सेटअप किया गया था संथनम कमेटी की रिकमेंडेशन पर, इसलिए हमारा जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा। अगर आपसे पूछा जाए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कब सेटअप किया गया था, उसका आंसर होगा 1964 में सेटअप किया गया था सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ये भी याद रखिए। अगर आपसे पूछा जाए जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं प्रेजेंट टाइम में, उनका क्या नाम है, उनका नाम है शरद दत्त। शरद दत्त जो हैं ये हैं प्रेजेंट टाइम में जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, सो ये भी याद रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12th नंबर क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, जो लार्जेस्ट एनिमल फाइलम हैं दिए गए चार ऑप्शन में से वो कौन से हैं। आपके ऑप्शन है मोलुक्सा, उसके बाद सेकंड ऑप्शन है आपका एथ्रोपोडा, मैमलिया, लास्ट ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन एनेलिडा। जो लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है उनका नाम है एर्थ्रोपोडा, इसलिए हमारा जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है बी ऑप्शन एर्थ्रोपोडा जो हैं ये है लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, सो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13th नंबर क्वेश्चन, द वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, जो वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 है ये किससे रिलेटेड है, किससे एसोसिएट है। आपके ऑप्शन है सेटिंग अप ऑफ सम यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडिया पोस्ट, उसके बाद थर्ड ऑप्शन है आपका अबोलिशन ऑफ सती, लास्ट ऑप्शन है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज इन इंडिया। जो वुड्स डिस्पैच एक्ट है 1854 वाला ये रिलेट है सेटिंग अप ऑफ सम यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, इसलिए हमारा जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है ए ऑप्शन सेटिंग अप ऑफ सम यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा, काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, सो याद रखिए इस तरह के क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में जरूर देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14th नंबर क्वेश्चन, ब्रिंग आउट द ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि तीन स्टेटमेंट इसमें दी हुई हैं जो वो सही हैं, एक स्टेटमेंट दी हुई है जो रॉन्ग है, आपने वही चुनी है जो रॉन्ग दी गई है, जो इनकरेक्ट है। आपके ऑप्शन है ए ऑप्शन इन केस वन इन द भारतीय केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, ये है फर्स्ट ऑप्शन, ये सही है बिल्कुल, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, इसमें ही रिकमेंड किया गया था जो प्रीएम्बल है हमारा वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने जो केस लगाया केस वन अंदर भारती केस था इससे ही एसोसिएट था, ये तो हमारा सही ऑप्शन है ए ऑप्शन। सेकंड है हमारा बी ऑप्शन आर्टिकल 34 कवर्स द इम्पोजिंग द मार्शल लॉज, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है आइडल ऑफ जस्टिस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम्स फ्रॉम USSR कॉन्स्टिट्यूशन, जो आइडल ऑफ जस्टिस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये हमने कहाँ से लिया है, USSR से, जिसको प्रेजेंट में बोलते हैं रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, उससे बोरो किया था हमने आइडल ऑफ जस्टिस, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है जो रॉन्ग होगा, यही है रॉन्ग, यानी कि इन्होंने बोला है 26 जनवरी 1950 मार्क्स द फाइनल सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो 26 जनवरी 1950 है इसमें फाइनल सेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, बट जो फाइनल सेशन हुआ था यानी कि लास्ट सेशन हुआ था वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को हुआ था जो फाइनल सेशन हुआ था और लास्ट सेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, बट इन्होंने बोला है 26 जनवरी, ये गलत है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का वो बनेगा डी ऑप्शन, ये इन्होंने जो फोर्थ ऑप्शन दिया है ये स्टेटमेंट रॉन्ग दी है, इसलिए राइट आंसर है हमारा डी ऑप्शन। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और सही अटैम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15th नंबर क्वेश्चन, मार्क द थीम ऑफ द 2019 ब्रिक्स समिट, जो 2019 का ब्रिक्स समिट हुई है उसमें जो थीम रखा गया है वो कौन सा रखा गया है दिए गए चार ऑप्शन में से। फर्स्ट ऑप्शन है ब्रिक्स इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर, ब्रिक्स स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर, ब्रिक्स पार्टनरशिप आर ड्राइविंग फोर्स ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट, लास्ट ऑप्शन है ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी सिक्योरिटी एंड प्रोस्पेरिटी। 2019 का जो थीम रखा गया है ब्रिक्स समिट का वो रखा गया है ए ऑप्शन ब्रिक्स इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा, इस तरह के क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में जरूर देखोगे, सो याद रखिए इस तरह के आपने जरूर रीड करके जाने हैं, जरूर देखेंगे आप इस तरह के क्वेश्चन अपने एग्जाम में। उसके बाद अगर बात करें हम 2019 की जो समिट हुई है ब्रिक्स की वो कहाँ हुई है, उसका आंसर होगा ब्राज़ील,
ब्राज़ील में एक जगह है जिसका नाम है ब्रसीलिया। ब्रसीलिया में हुई है जो 2019 की समिट हुई है, ब्रिक्स समिट। ये भी याद रखिए, इसमें टोटल कंट्रीज़ कितनी हैं ये आपने याद रखना है। इनके जो लेटर जितने हैं उतने ही कंट्री मेंबर्स हैं, यानी कि टोटल 5 कंट्री मेंबर्स हैं। कौन कौन सी? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये सारी की सारी मेंबर हैं ब्रिक्स की, यानी कि ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है एक। इसके टोटल मेंबर हैं 5, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और इसका हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना में। ये तो आप सभी को पता होगा। अगर आपसे पूछा जाए जो ब्रिक्स है ये कब फाउंड हुई थी, उसका आंसर होगा जून 2006। 2006 में जून में फाउंड हुई थी जो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है एक। इसमें टोटल 5 कंट्रीज मेंबर हैं, ये भी आप याद रखिए। आपसे पूछा जा सकता है हेडक्वार्टर कहाँ है, उसका आंसर होगा शंघाई, चाइना। इससे मिलता जुलता आपने एक क्वेश्चन और याद रखना है एनडीबी के बारे में, न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। इसको ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं, यानी कि आपसे पूछा जा सकता है जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये कहाँ पर लोकेटेड है। इसका आंसर भी होगा चाइना। चाइना में लोकेटेड है जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है। उसके जो चेयरमैन है, यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के, उनका क्या नाम है? प्रेजेंट टाइम में जो चेयरमैन है न्यू डेवलपमेंट बैंक के, उनका नाम है के वी कमथा। के वी कमथा जो हैं ये हैं प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन ऑफ एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक का। ये भी याद रखिए, ये सारे के सारे क्वेश्चंस याद रखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन। कायाकल्प अवार्ड इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्टर फॉर, जो कायाकल्प अवार्ड है ये कौन सी जो मिनिस्ट्री है उसका इनिशिएटिव था? आपके ऑप्शन है आयुष मिनिस्ट्री, सेकंड ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, थर्ड ऑप्शन है हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन, लास्ट ऑप्शन है आपका हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। जो कायाकल्प अवार्ड है ये मिनिस्ट्री है जो देती है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसलिए हमारा जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है डी ऑप्शन, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो मिनिस्ट्री है ये देती है कायाकल्प अवार्ड। ये मिनिस्ट्री का जो इनिशिएटिव है, इसलिए हमारा राइट आंसर है डी ऑप्शन, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। प्रेजेंट में जो इसके मिनिस्टर हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, उनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन जो हैं ये हैं प्रेजेंट टाइम में जो मिनिस्टर हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है चांदनी चौक दिल्ली, चांदनी चौक न्यू दिल्ली, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है डॉक्टर हर्षवर्धन की। ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ पब्लिश्ड एनुअल रिपोर्ट्स मैंडेटरी एज पर RTI एक्ट 2005 फ्रॉम द ईयर 2005 टू 2018? यानी कि कौन सी स्टेट है जिसने मैंडेटरी कर दिया है RTI एक्ट को पब्लिश करना, यानी कि एनुअल रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की जाएगी एज़ पर RTI एक्ट 2005, 2005 से लेकर 2018 तक मैंडेटरी किया है, ये कौन सी स्टेट है? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, केरला, हिमाचल प्रदेश, लास्ट ऑप्शन है छत्तीसगढ़। इसको मैंडेट कर दिया है छत्तीसगढ़ स्टेट ने। इसलिए हमारा जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है डी ऑप्शन, छत्तीसगढ़ ने मैंडेटरी कर दिया है कि हर साल एनुअल रिपोर्ट्स को पब्लिश किया जाएगा एज़ पर RTI एक्ट 2005। इसलिए राइट आंसर है हमारा डी ऑप्शन, छत्तीसगढ़। RTI स्टैंड करता है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद द गेजेटियर ऑफ द टेरिटरीज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नेटिव स्टेट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया? गेजेटियर ऑफ द टेरिटरीज का जो टाइटल दिया जाता है किसको दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में, दिए गए 4 ऑप्शन में से। आपके ऑप्शन है एडवर्ड थॉरंटन, पी कार्नेगी, थर्ड ऑप्शन है रॉबर्ट मॉन्टगोमेरी मार्टिन, लास्ट ऑप्शन है आपका विलियम फिंच। गेजेटियर ऑफ द टेरिटरीज का जो टाइटल दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर जो जब गवर्नमेंट थी वो दिया गया था एडवर्ड थॉरंटन को। इसलिए हमारा जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है ए ऑप्शन, एडवर्ड थॉरंटन को दिया गया था एज द टाइटल ऑफ गेजेटियर ऑफ द टेरिटरीज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नेटिव स्टेट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया। इसलिए राइट आंसर है हमारा ए ऑप्शन, एडवर्ड थॉरंटन। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम हैज़ रिसेंटली नेम्ड अ टाइनी ब्लाइंड एंड विंगलेस बीटल आफ्टर। जो नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम है ये बनाया गया है, यानी कि इसका नाम चेंज किया गया है, एक टाइनी ब्लाइंड एंड विंगलेस बीटल के नाम पर रखा गया है इसका नाम। कौन सा ऑप्शन है जिसके नाम पर रखा गया है इस म्यूजियम का नाम? आपके ऑप्शन है ग्रेटा थनबर्ग, मैरी क्यूरी, सारा डेनियस, लास्ट ऑप्शन है आपका साइमोन बाइल्स। ये हैं ग्रेटा थनबर्ग। इसलिए हमारा जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, ग्रेटा थनबर्ग के नाम के पर रखा जाएगा जो नेचुरल म्यूजियम है, एक टाइनी ब्लाइंड एंड विंगलेस बीटल आफ्टर ग्रेटा थनबर्ग। इसलिए राइट आंसर है हमारा ए ऑप्शन, ग्रेटा थनबर्ग। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क का एग्जाम हुआ था, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था, सो याद रखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। रिसेंटली इन रेन ट्रनकेटेड मैच कर्नाटका वाज डिक्लेयर्ड विनर ऑफ विजय हजारे ट्रॉफी फॉलोइंग। रिसेंटली आप सभी को पता है कर्नाटका ने जीती है जो विजय हजारे ट्रॉफी थी रिसेंटली जो हुई है, इसको जीता है इन्होंने कौन से मेथड को यूज़ करके। आपके ऑप्शन DLS मेथड, रन रेट मेथड, टॉस मेथड, VZD मेथड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन VZD मेथड। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए अगर आपसे उसका क्या आंसर होगा, उसका आंसर होगा जय देवन सिस्टम। जय देवन सिस्टम यानी कि एक पर्सन थे जिनके नाम पर ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था जिसका नाम है जय देवन सिस्टम, यानी कि इनका नाम था जय देवन सिस्टम। इन्होंने अपने नाम पर ही इन्होंने VZD मेथड को एस्टेब्लिश कर दिया गया था, इसलिए हमारा जो राइट आंसर है वो है जय देवन सिस्टम। इसको और एक नाम दिया जाता है, जो नाम दिया गया है वो क्या है, अदर नेम है गोकुल ग्रंथि सिस्टम। गोकुल ग्रंथि सिस्टम जो है इसको और नाम दिया जाता है, यानी कि अदर नेम है इस VZD की मेथड का, ये भी याद रखिए, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन। इन कोलेबोरेशन विद होम डिड सर एडविन ल्यूटन डिज़ाइन द बिल्डिंग्स ऑफ रायसीना हिल्स। जो रायसीना हिल्स की बिल्डिंग है इसको डिज़ाइन किया था सर एडविन ल्यूटन ने किसके साथ मिलके। आपके ऑप्शन है ए ऑप्शन हर्बर्ट ब्लालकोक, सेकंड है जोहन शोर, थर्ड ऑप्शन है सर हर्बर्ट बेकर, लास्ट ऑप्शन है आपका सर जोहन सोन। ये क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा वो है सी ऑप्शन सर हर्बर्ट बेकर। इनके साथ मिलके इन्होंने रायसीना हिल्स की जो बिल्डिंग है उनको एस्टैब्लिश करवाया था, इसलिए राइट आंसर है हमारा सर एडविन लुटियन एंड सर हर्बर्ट बेकर, इसलिए राइट आंसर है सी ऑप्शन सर हर्बर्ट बेकर। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन से अटैम्प्ट किया होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। हु रिसेंटली बैंड द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग रेड चिलीज एंड चिल्ली बॉम्ब्स टू ड्राइव अवे एलिफेंट्स। कौन सी स्टेट का हाईकोर्ट है जिन्होंने रेड चिलीज और चिली बॉम्ब्स को यूज़ करना बैन कर दिया है। आपके ऑप्शन है झारखंड हाईकोर्ट, कर्नाटका हाईकोर्ट, केरला हाईकोर्ट, उत्तराखंड हाईकोर्ट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है उत्तराखंड हाईकोर्ट। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रिसेंटली डिसाइड किया है ये कि बैन करेंगे रेड चिलीज और चिली बॉम्ब्स को, रिसेंटली ये बैन किया है, इसलिए राइट आंसर है हमारा डी ऑप्शन उत्तराखंड हाईकोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन। द 2019 राउंड स्केयर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वेयर सोफिया द फर्स्ट रॉबर्ट टू रिसीव सिटीजनशिप ऑफ एनी कंट्री टॉक्ड अबाउट क्लाइमेट चेंज वाज हेल्ड एट। जो कॉन्फ्रेंस हुई है रिसेंटली राउंड स्केयर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 2019 में, इसमें जो सोफिया है ये किसी भी कंट्री में रहने वाली सबसे पहली रॉबर्ट है जिनको सिटीजनशिप मिली थी। इन्होंने एक भाषण दिया है यानी कि इन्होंने क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग कुछ बोला है, कहाँ पर बोला है ये कुछ। आपके ऑप्शन है ग्वालियर, इंदौर, पुणे और लास्ट ऑप्शन है आपका रांची। ये इन्होंने जो क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग कुछ बोला है ये बोला है इंदौर में, इसलिए राइट आंसर है हमारा बी ऑप्शन इंदौर। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो याद रखिए बिल्कुल आ सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन। विच कंट्री रिसेंटली प्रोक्लेम्ड टू हैव इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी। कौन सी कंट्री है जिसने रिसेंटली इनॉग्रेट की है वर्ल्ड की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी। आपके ऑप्शन है जापान, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि UAE। ये कंट्री है UAE, इसलिए राइट आंसर है हमारा डी ऑप्शन UAE जो है इन्होंने अनाउंस किया है कि ये इनॉग्रेट करेंगे वर्ल्ड की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी को, इसलिए राइट आंसर है हमारा डी ऑप्शन UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन। नेम द फ्रीडम फाइटर एसोसिएटेड विद धुड़की। कौन सा फ्रीडम फाइटर है जो धुड़की के साथ एसोसिएट है। आपके ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय, लास्ट ऑप्शन है आपका उद्धम सिंह। जो धुड़की है इससे जो फ्रीडम फाइटर हमारे एसोसिएट हैं उनका नाम है लाला लाजपत राय, इसलिए राइट आंसर है हमारा सी ऑप्शन लाला लाजपत राय। इनको पंजाब केसरी का टाइटल भी दिया जाता है, ये भी याद रखिए पंजाब केसरी का टाइटल भी इन्हें दिया जाता है लाला लाजपत राय को। सो ये थे 25 क्वेश्चंस जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके CDS 2020 एग्जाम के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल वाईफाई एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। इन 25 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किए हैं ये भी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि आपने इन 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किए हैं। और एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जिसका आपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। आपका क्वेश्चन है विच आर्टिकल डील्स विद द टैक्सेस लेवाइड एंड
डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यूनियन स्टेट्स, कौन सा आर्टिकल है जो डील करता है, जो टैक्सेस लगाए जाते हैं, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है यूनियन और स्टेट्स के बीच। आपके ऑप्शन है आर्टिकल 230, 250, आर्टिकल 270 और लास्ट ऑप्शन है आपका आर्टिकल 290। ये आपके चार ऑप्शन हैं। इसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप डिस्क्रिप्शन से नहीं जाना चाहते तो आप वाईफाई एजुकेशन को सर्च करके उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई डाउट है, कन्फ्यूज़न है किसी क्वेश्चन के रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आपका जो डाउट है कन्फ्यूज़न है वो 100% दूर की जाएगी, जो आपका डाउट है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड हो चाहे आपका डाउट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप सपोर्टिंग वाईफाई एजुकेशन।